खबरें आप तक पहुंचाएंगे बिल्कुल नए अंदाज में। और सबसे पहले जिक्र सुषमा स्वराज का। संयुक्त राष्ट्र के मंच से सुषमा स्वराज ने पाक को आईना दिखाने का काम किया है। संयुक्त राष्ट्र के मंच से भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और कहा कि भारत ये मांग करता है कि जो देश आतंकवादियों और आतंकवाद की पनाहगाह है, जहां नियत और कारनामों में आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है, ऐसे देशों को अलग थलग करने की जरूरत है। इसके साथ ही सुषमा ने कहा कि भारत की मित्रता और बंधुत्व का पाकिस्तान गलत फायदा उठा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मंच से सुषमा ने उठाई पाक को अलग थलग करने की मांग। आतंकवाद की भाषा बोलने वाले देश को अलग थलग किया जाए। सुषमा ने कहा कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान ने अमानवीयता की हदें की पार। कश्मीर पर बोली सुषमा, कश्मीर भारत का था, है और रहेगा। हमारे पास बहादुर अली जिंदा सबूत है जो कि सीमा पार से आया है। और आइए सुनाते हैं आपको कि सुषमा स्वराज ने अपने संबोधन में कैसे पाक को आड़े हाथ लिया। हम अपने मतभेद भुलाकर आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हों, उसका मुकाबला दृढ़ संकल्प से करें और अपने प्रयासों में तेजी लाएं। हाँ, यदि कोई देश इस तरह की रणनीति में शामिल नहीं होना चाहता तो फिर हम उसे अलग थलग कर दें। जो बोते भी हैं तो आतंकवाद, उगाते भी हैं तो आतंकवाद, बेचते भी हैं तो आतंकवाद और निर्यात भी करते हैं तो आतंकवाद, कि जिनके अपने घर शीशे के हों उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। जरा एक बार बगल में झांक कर देख लें क्या हो रहा है बलूचिस्तान में और वो खुद क्या कर रहे हैं वहां। मैं कह सकती हूं यहां कि आज जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो यातनाओं की पराकाष्ठा है। हमारे शपथ ग्रहण समारोह से पहले जब हमने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को समारोह में आने का न्योता दिया था, आमंत्रण दिया था, तो क्या कोई शर्त रखी थी? मैं स्वयं इस्लामाबाद गई थी और कॉम्प्रिहेंसिव बायलेटरल डायलॉग हमने शुरू किया था इकट्ठे बैठकर, क्या कोई शर्त रखी थी? प्रधानमंत्री मोदी काबुल से दिल्ली आते हुए लाहौर उतर गए थे, कोई शर्त लगाकर गए थे क्या? ये कौन सी शर्तों की बात हो रही है? हम शर्तें लगा रहे हैं या आप दूसरी नीयत दिखा रहे हैं? पाकिस्तान ये समझता है इस तरह की हरकतें करके, इस तरह के भड़काऊ बयान देकर वो भारत का कोई हिस्सा हमसे छीन सकता है, तो मैं पूरी दृढ़ता और स्पष्टता के साथ यहाँ ये कह देना चाहती हूँ कि आपका ये मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और अभिन्न हिस्सा रहेगा। तो सुषमा स्वराज ने न्यूयॉर्क में जो मजबूती से कहा, उसके बाद दूसरे दलों ने भी सुषमा के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। संजय राउत ने कहा कि भाषण से काम नहीं चलेगा। यूनो में भाषण करने से पाकिस्तान के ऊपर कोई परिणाम होगा? एक तो हम पाकिस्तान का नाम लेने से बहुत कसराते हैं, आज भी नाम नहीं लिया गया। जिस तरह से नवाज शरीफ जैसे लोग हैं हमको चैलेंज देते हैं, कश्मीर का इशू हो और कोई विषय हो, हम लोग आज भी भाषण से उनको इशारा देते हैं सिर्फ। उससे ना पाकिस्तान को सबक मिलेगा, ना शहीदों का सम्मान रहेगा, ना बदला पूरा होगा। ये भाषणबाजी को जनता उब चुकी है। विदेश मंत्री और पाकिस्तान को सुषमा स्वराज की खरी खरी चुभ गई है। बौखलाए पाकिस्तान ने भी प्रतिक्रिया दी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की कश्मीर और आतंकवाद पर खरी खरी बात पाकिस्तान को चुभ गई है। बौखलाए पाकिस्तान ने सुषमा के नवाज शरीफ पर इस जवाबी पलटवार को झूठ का पुलिंदा करार दिया है। यही नहीं, बलूचिस्तान का मुद्दा उठाने को आंतरिक मामलों में दखल भी करार दिया है। यूएन में सुषमा स्वराज के भाषण से तिलमिलाया पाक, भारत के बयान को बताया झूठ। पाक ने बलूचिस्तान का मुद्दा उठाने को आंतरिक मामलों में दखल करार दिया। पाक ने कहा भारतीय विदेश मंत्री यूएन में यूएन के प्रस्तावों को ही अस्वीकार कर रही हैं। मोदी सरकार पाकिस्तान के लिए एक और रणनीति बना रही है। मोदी सरकार ने पाकिस्तान को एक और झटका देने की तैयारी की है। सिंधु नदी समझौते के बाद अब सरकार
पाकिस्तान को दिए गए मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे पर पुनर्विचार कर रही है। इसके लिए 29 सितंबर को रिव्यू मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग में पीएमओ, कॉमर्स मिनिस्ट्री और विदेश मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहेंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ट्रेड नियमों को लेकर MFA स्टेटस दिया जाता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ट्रेड नियमों को लेकर मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया जाता है। मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस का दर्जा मिलने पर दूसरे देश के साथ व्यापार करना आसान हो जाता है। पाकिस्तान को भारत ने 1996 में मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था, जबकि पाकिस्तान ने अभी तक भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं दिया है। ह्यूमन राइट्स वॉच यानी HRW की रिपोर्ट ने पाकिस्तान को आईना दिखाया है। पाकिस्तान एक बार फिर मानवाधिकारों के हनन को लेकर बेनकाब हो गया है। ह्यूमन राइट्स वॉच यानी HRW ने जारी की है ये रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में पुलिस बल मनमानी, गिरफ्तारी, प्रताड़ना, न्यायेतर हत्याएं और यौन हिंसा आदि के जरिए व्यापक मानवाधिकार उल्लंघन में लिप्त है। रिपोर्ट में 2015 में 2000 से ज्यादा फर्जी एनकाउंटर का ब्यौरा दिया गया है। 2015 में पुलिस के साथ सशस्त्र मुठभेड़ों में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। HRW की रिपोर्ट कहती है पाक पुलिस करती है मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन। और इधर पाकिस्तान में आतंकी शिविरों को शिफ्ट करने का काम किया है। उरी हमले के बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के आतंकी ट्रेनिंग कैंपों में हलचल की खबर है। बताया जा रहा है कि उरी हमले के बाद POK के लगभग 17 आतंकी शिविरों की लोकेशन बदली गई है। उरी में हुए हमले के बाद भारत की तरफ से पाक पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। इसके साथ ही भारत सरकार और सेना जिस तरह से उरी हमले का जवाब देने की रणनीति बना रही है, उससे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। ISI और सेना ने शिफ्ट कराए आतंकियों के कैंप। POK के लगभग 17 आतंकी शिविरों की लोकेशन बदली गई। कुछ आतंकी कैंप पाकिस्तानी सेना के शिविरों के भीतर शिफ्ट किए गए हैं। कुछ कैंपों को POK में सिविलियन एरिया के नजदीक शिफ्ट किया गया। POK में लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के ट्रेनिंग कैंप चलते हैं। भारत के कड़े रुख के बाद पाकिस्तान के बयानों में अब नरमी भी साफ नजर आने लगी है। उरी हमले के बाद भारत का कूटनीतिक दबाव रंग ला रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुंह की खाने के बाद भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित का कहना है कि जंग कोई हल नहीं है। इससे पहले लगातार पाक युद्ध की बातें करता आ रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद पाक के सुर बदले नजर आ रहे हैं। PM मोदी ने कहा था भारत हर तरह से जंग के लिए तैयार है। PM मोदी की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद पाक के रुख में आया बदलाव। पाक के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित का कहना है कि जंग कोई हल नहीं है। अब्दुल बासित ने कहा कश्मीरी अगर भारत में खुश हैं तो उन्हें वहीं रहने दो। लेकिन चीन ने एक बार फिर से नापाक हरकत करते हुए भारत में घुसपैठ की है। भारत में घुसपैठ की घटनाओं पर लगाम लगती नजर नहीं आ रही है। पाकिस्तानी आतंकियों का उरी में सेना पर हमला करने का मामला भी थमा भी नहीं था कि अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना की घुसपैठ की घटना सामने आई है। ये पहली घटना नहीं है जब चीन ने घुसपैठ की हो। इससे पहले भी चीनी घुसपैठ की खबर सामने आती रही है। 9 सितंबर को चीनी सैनिकों ने की भारत की सीमा में घुसपैठ। चीनी सैनिकों ने 45 किलोमीटर अंदर आकर प्लम इलाके में कैंप भी बनाए। 4 दिन बाद 13 सितंबर को भारतीय सेना ने उन्हें वापस खदेड़ा। और इधर जम्मू कश्मीर में जैश ए मोहम्मद के 2 गाइड पकड़े गए। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर से सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 2 गाइड को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आतंकवादियों को सीमा पार कराने में मदद करते थे। इसके साथ ही इन दोनों को मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर ने खुद ट्रेनिंग दी थी। सेना इस बात की जांच कर रही है कि क्या उरी अटैक के हमलावर भी इन्हीं की मदद से भारत की सीमा पार किए थे। उरी सेक्टर से सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 2 गाइड को गिरफ्तार किया है। दोनों गाइडों ने 12 से 18 आतंकवादियों को भारत में कराई थी घुसपैठ। दोनों गाइड पाक अधिकृत कश्मीर के रहने वाले हैं। दोनों की उम्र 15 से 16 साल है। आतंकवादियों को सीमा पार कराने में गाइड की मदद ली जाती रही है। और इधर इसरो ने भारत के नाम एक कामयाबी दर्ज की।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मौसम उपग्रह SC-80ST-1 समेत 8 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए। इन सभी ध्रुवीय उपग्रहण प्रक्षेपण यानों को रॉकेट के जरिए आंध्र प्रदेश के प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। ये उपग्रह अंतरिक्ष की कक्षा से मौसम की भविष्यवाणी में मदद करेगा। इसरो ने अपने सबसे मुश्किल और लंबे मिशन PSLV-C35 को लॉन्च किया। PSLV-C35 8 उपग्रहों को अपने साथ लेकर जा रहा है। 8 उपग्रहों में अमेरिका और कनाडा, अल्जीरिया के उपग्रह शामिल। PSLV-35 उपग्रहों को 2 अलग अलग कक्षाओं में स्थापित करेगा। पूर्व जस्टिस मार्कंडे काटजू ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ देश में गुस्सा है। शहीदों के घर वाले बदले की बात कर रहे हैं। सरकार पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए रणनीति बना रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने शहादत के जख्मों पर नमक छिड़का है। जस्टिस काटजू ने फेसबुक पर पाकिस्तान को संबोधित करते हुए लिखा है कि कश्मीर लेना है तो बिहार भी साथ लेना होगा। इतना ही नहीं, काटजू ने पाकिस्तान से ज्यादा खतरा देश को बिहार से बताया है। SC के पूर्व जस्टिस और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन रहे हैं जस्टिस मार्कंडेय काटजू। अक्सर विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं मार्कंडेय काटजू। हाल ही में मार्कंडेय काटजू ने कहा था अमिताभ बच्चन का दिमाग खाली है। काटजू ने महात्मा गांधी को ब्रिटिश एजेंट और सुभाष चंद्र बोस को जापानी एजेंट बताया। काटजू ने एक सेमिनार में कहा था कि 90% भारतीय बेवकूफ होते हैं। इधर अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए शुरू हुई बहस में दो नेताओं में जमकर बहस हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने सभी को ये कहकर चौंका दिया कि यदि इस चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन जीती तो उन्हें वह अपना पूरा समर्थन देंगे। इसके साथ ही शुरू हुई इस बहस में दोनों के बीच देश की आर्थिक नीतियों को लेकर, सुरक्षा और विदेश नीति को लेकर जबरदस्त बहस हुई। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए 8 नवंबर को चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले उम्मीदवारों के बीच सीधी बहस अमेरिकी चुनाव की प्रक्रिया का हिस्सा है। हिलेरी और ट्रंप ने न्यूयॉर्क के होपेस्ट्रा विश्वविद्यालय में 90 मिनट तक बहस की। राष्ट्रपति चुनाव के लिए होने वाली 3 बहसों में ये पहली बहस। कानून व्यवस्था, प्रवासियों, नस्लीय टिप्पणी, परमाणु हथियार को लेकर हुई बहस। कॉर्पोरेट मामलों के पूर्व महानिदेशक बीके बंसल ने अपने बेटे के साथ खुदकुशी कर ली। रिश्वत लेने के आरोपों में घिरे कॉर्पोरेट मामलों के पूर्व महानिदेशक बीके बंसल ने अपने बेटे के साथ खुदकुशी कर ली। दोनों ने पूर्वी दिल्ली स्थित अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। गौरतलब है कि बंसल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था और उनके साथ 2 और लोगों को भी हिरासत में लिया गया था। बंसल के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत मामला चल रहा था। कॉर्पोरेट अफेयर मंत्रालय में DG के पद पर तैनात थे बीके बंसल। 1 महीने पहले पत्नी और बेटी ने भी घर में फांसी लगाकर की थी खुदकुशी। बीके बंसल पर रिश्वत लेने का आरोप था, इसी मामले में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। बंसल पर एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए रिश्वत लेने का आरोप था। बंसल को एक होटल से किया गया था गिरफ्तार, कुछ समय पहले हुए थे रिहा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त नसीम जैदी ने 2017 विधानसभा चुनाव को लेकर जानकारी दी और कहा कि तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। कमीशन ने ये निर्देश दिया है सारे ऑफिसर्स को कि जिन लोगों का नाम भी डिलीट हो, जिन लोगों का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो, हर एक वोटर को एक इंडिविजुअल इंटीमेशन जाएगी ताकि ये ना हो कि वो पोलिंग के दिन आए और अपना नाम वोटर लिस्ट में ना पाए और उनके पास इलेक्टोरल फोटो आई कार्ड हो और वो बाद में उसकी शिकायत करें। इस पर विशेष हम लोग प्रबंध कर रहे हैं कि इतने बड़े प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में वोटर्स हमारे पंजीकरण होने के बाद भी इतनी कम संख्या में पोलिंग स्टेशन पर आ रहे हैं, ये चिंता का विषय है। लोगों को अवेयरनेस दे करके, एजुकेशन दे करके प्रेरित करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पोलिंग स्टेशन पर आएँ। हमने अपने सभी अधिकारियों से ये निर्देश दिए हैं कि वो प्रदेश में कम से कम 70-75% पोलिंग का गोल रखें। और इधर रेलवे का नया टाइम टेबल 1 अक्टूबर को जारी होगा। रेलवे की नई समय सारणी में तेजस, हमसफर एक्सप्रेस समेत 30 नई ट्रेनों को शामिल किया गया है।
जो बहुप्रतीक्षित नई रेलवे समय सारणी का हिस्सा होंगी। हालांकि रेलवे की नए समय सारणी को जारी करने में एक महीने की देरी हुई है, क्योंकि रेल बजट में घोषित नई प्रस्तावित सेवाओं के मार्गों और गंतव्यों को विभिन्न कारणों से अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। इन नई सेवाओं के अलावा करीब 37 मेल एक्सप्रेस की बढ़ी हुई गति भी नई समय सारणी में दिखाई देगी। रेलवे की नई समय सारणी 1 अक्टूबर को होगी जारी। तेजस और हमसफर के किराए मौजूदा किराए से अधिक होंगे। 37 मेल एक्सप्रेस की बढ़ी हुई गति भी नए समय सारणी में दिखाई देगी। 30 नई ट्रेन बहुप्रतीक्षित नई रेलवे समय सारणी का हिस्सा होंगी। और दिल्ली में एक छात्र ने अपने ही टीचर का खून कर दिया। राजधानी दिल्ली में गुरु शिष्य का पवित्र रिश्ता खून से रंग गया, जहां कुछ छात्रों ने अपने टीचर को चाकू से गोदकर हत्या कर दी। छात्र इस बात से खफा थे कि टीचर ने अनुशासन तोड़ने के मामले में उनकी शिकायत प्रिंसिपल से की थी। पुलिस ने इस संबंध में 2 छात्रों को हिरासत में लिया है। परीक्षा में न बैठने देने जाने पर 2 छात्रों ने की टीचर की हत्या। छात्रों ने हत्या करने से पहले दी थी टीचर को धमकी। दोनों आरोपी छात्र 12वीं के बताए जा रहे हैं, गिरफ्तार किए गए। हत्या के आरोपी दोनों छात्र 3 बार 12वीं में फेल हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्रियों की मुश्किल का दौर जारी है। सरकार में केजरीवाल के विश्वास पात्र माने जाने वाले स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन अब हवाला मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जैन को हवाला के माध्यम से करीब 17 करोड़ के ट्रांसफर मामले में उन्हें समन भेज कर 4 अक्टूबर को उपस्थित होने को कहा है। तक के कार्यकाल में 13 विधायक जा चुके हैं जेल। गिरफ्तारी का सिलसिला जून 2015 में आपके पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र तोमर से शुरू हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर अपनी छवि को लेकर प्रदेश में कानून व्यवस्था सही करने की बात कही। बिहार में किसी डॉन के लिए जगह नहीं और जो भी बाहर दिखेगा उसे अंदर जाना पड़ेगा, ये वादा हम नहीं बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने साफ किया कि कारोबारियों को डरना नहीं चाहिए, निवेश करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों पर कानून अपना काम करेगा और कोई भी डॉन बाहर नहीं रहेगा। और अब खबर पायलट गन से जुड़ी हुई। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने पायलट गन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने भीड़ को काबू में करने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल को जरूरी बताया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया है। इससे पहले बार एसोसिएशन ने घाटी में पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने पैलेट गन के इस्तेमाल पर सवाल खड़े करते हुए केंद्र सरकार से जवाब तलब किया था और दूसरे विकल्पों के बारे में भी पूछा था। इससे पहले जम्मू कश्मीर सरकार भी पैलेट गन के इस्तेमाल को सही बता चुकी है। सिंधु नदी समझौते को लेकर भारत कोई महत्वपूर्ण कदम उठा सकता है और जल्द ही इस पर फैसला हो सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों पहले हुए सिंधु नदी संधि पर समीक्षा बैठक होगी। जम्मू कश्मीर के उरी में आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के प्रति जवाबी कार्रवाई के तौर पर इस समझौते की समीक्षा होगी। इस बैठक में सीनियर अधिकारी पीएम मोदी को सिंधु जल समझौते के प्रावधानों के बारे में ब्रीफिंग देंगे। पीएम को समझौते के फायदे और नुकसान के बारे में बताया जाएगा। लखनऊ में बीटीसी 2013 बैच के अभ्यर्थियों का अनशन जारी है। लखनऊ में बीटीसी 2013 बैच के अभ्यर्थियों का अनशन जारी है। दरअसल मांगे पूरी नहीं होने को लेकर बीटीसी अभ्यर्थी नाराज चल रहे हैं और मांगे पूरी नहीं होने पर हड़ताल पर है। अनशन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि परिषदीय विद्यालयों में उनकी भर्ती की जाए। खबर शामली से। शामली में एक महिला के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई। यूपी में महिलाओं पर अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला शामली से सामने आया है, जहां एक महिला गैंगरेप का शिकार हुई। 3 दबंगों ने बंदूक की नोक पर उसके साथ गैंगरेप किया और तीनों दरिंदे मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। पीड़िता ने थाने आकर इसकी शिकायत की। सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। आधार कार्ड को लेकर सरकार एक नई योजना बनाने की तैयारी में। आधार कार्ड की अनिवार्यता लगातार बढ़ रही है और आने वाले दिनों में रेलवे टिकट की बुकिंग से अन्य सेवाओं को दायरे में लाने की तैयारी है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने 20 ऐसी नई सेवाओं की पहचान कर ली है, जिनमें आधार नंबर को अनिवार्य किया जाना तय हुआ है। दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है।
दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया के फैलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सख्ती दिखाते हुए दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और एनसीडी को इस बारे में ठोस कदम उठाने में नाकाम बताया और कहा इसकी वजह से हजारों लोग बीमारी की चपेट में हैं और सैकड़ों लोगों की इसके चलते मौतें भी हुई हैं।